नेटवर्क लेयर के फीचर्स तो हैं, वो भी एज अ होल डेटा जब ट्रांसफर करने में नेटवर्क लेयर की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, जैसे डेटा लिंक लेयर की और फिजिकल लेयर की चेंज, इस तरह इसके भी कुछ फीचर्स जो है, ज़्यादातर फीचर्स चेंज ही है, पर हर लेयर की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। पर एज अ होल जब आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो एज अ होल पूरे की पूरी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं आपके मैसेज को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने के लिए। अब नेटवर्क लेयर में जो है सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसके नेम से कैसे आपको रिपोर्टिंग लग रही है, क्या इंडिकेट कर रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी? मैम सेंडर टू रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर है। सोर्स में आता है जैसे आपका, जैसे ए आपका नेटवर्क है ए, उसमें डिफरेंट रिसोर्सेज अटैच है, और बी सेकेंड नेटवर्क है। ये नेटवर्क जस्ट इमेजिन एक कंट्री में पड़ा हुआ है ए नेटवर्क, और बी नेटवर्क जो है वो दूसरी कंट्री में है। अब इन दोनों के दरमियान आपने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश है, जैसे आप पिछली लेयर से करते आए हैं, जैसे आपने डेटा लिंक लेयर में पढ़ा था उसमें तो होप टू होप कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा था, जैसे ए वन मैसेज सेंड करता था पहले राउटर वन पे जाता था, फिर राउटर टू पे, और फिर जाके रिसीव होता था बी वन पे। पर इसमें नेटवर्क लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसने नेटवर्क पे जो आपकी रिसीवर साइट है, बी रिसीवर साइट है, वहाँ पर डेस्टिनेशन होस्ट जो है उसको कंफर्म करना है कि यही मेरी डेस्टिनेशन है और इस पर मैंने अपना पैकेट जो है वो सेंड करना है। नेटवर्क लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए वन से डेटा बी वन पे जाना है और डेस्टिनेशन उससे स्पेसिफाई करनी है, एग्जैक्ट डेस्टिनेशन यही है। इन बिटवीन नोड्स का डाटा ट्रांसफर हो रहा था ए वन से आर पे आर टू पे, ये डेटा लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नोड टू नोड। पर नेटवर्क लेयर ने सोर्स टू डेस्टिनेशन जिससे डेटा ट्रांसफर करना है वो नेटवर्क लेयर के थ्रू होना है ट्रांसफर स्ट्रक्चर में, और सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करने के लिए नेटवर्क लेयर यूज करती है आई पी एड्रेस। आई पी एड्रेस के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है मैम, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो है, पर इसको यूज किस लिए करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत समझ पड़ी है पिछली क्लासेस में? नो मैम, ये नहीं पढ़ा पहले, ही आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है आईपी सेकंड ईयर में या पिछले सेमेस्टर में? आईपी एड्रेसिंग में होता है कि हर होस्ट का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जैसे बी वन का अपना आईपी एड्रेस है, बी टू का अपना आईपी एड्रेस है, बी थ्री का अपना आईपी एड्रेस है, इधर ना ए वन ने कम्युनिकेट करना है जैसे इमेजिन बी वन से, तो पहले वो उसका आईपी एड्रेस फेच करेगा। यूनिक आईपी एड्रेस होता है तो इस तरह आपकी आपको कुलियन फैक्ट इस तरह नहीं आता कि ए वन ने अगर मैसेज डिलीवर किया है, अगर उसके पास आईपी एड्रेस ना हो तो उसका रैंडमली किसी भी डिवाइस पर मैसेज चला जाएगा, बी वन पे भी जा सकता है, बी टू पे भी जा सकता है, बी थ्री पे भी जा सकता है, लेकिन आईपी एड्रेस के थ्रू ये होता है कि ए वन से ना होती है उसने अपना मैसेज बी वन पे भेजना है, क्योंकि यूनिक आईपी एड्रेस है। इससे ये होता है कि आप लोगों को होस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मेरा हो ये है और मैंने अपना मैसेज इसी पे ही सेंड करना है, इस तरह आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती कि जिस होस्ट का मैसेज था दूसरे होस्ट पे चला गया। इससे सोर्स डेस्टिनेशन डिलीवरी नेटवर्क क्लियर करती है आईपी एड्रेसिंग के थ्रू। आईपी एड्रेस में ये होता है कि दो पार्ट्स होते हैं, इसमें पहले नेटवर्क फाइंड आउट करता है वो कि किस नेटवर्क में मैसेज डिलीवर करना है, और होस्ट आईडी फाइंड आउट करती है। इस तरह ये होता है कि आईपी एड्रेस के थ्रू नेटवर्क क्लियर में प्रॉपरली आपका मैसेज जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर हो जाए। और राउटिंग, राउटिंग से क्या चीज माइंड में आते हैं, राउटिंग के बारे में कुछ पता है? जिनसे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं जी, राउटर्स इसमें आ रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में भी आपके राउटर्स खड़ा थे, आपके होप टू होप डिलीवरी राउटर्स के थ्रू हो रही थी, आपके कनेक्शन जो एनहांस रहता था, जैसे यहाँ तो मैंने दो स्ट्रक्चर दिए हैं, इस तरह आपके राउटर्स पे भी फर्दर स्ट्रक्चर जो है वो अटैच हो सकते हैं, आप जितना एक्सपेंड करना चाहिए अपने स्ट्रक्चर से उतना कर सकते हैं। इसमें राउटिंग का ये है कि राउटिंग की जो यहाँ पे जो फीचर है वो ये इंट्रोड्यूस करा रहा है कि आपका जो ए नेटवर्क है, प्रोटोकॉल्स आपने पढ़े थे ना, प्रोटोकॉल्स क्या थे, प्रोटोकॉल्स डिफाइन करे प्रोटोकॉल जो सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स ये है कि अगर आप ए स्ट्रक्चर में आपने अपने सेट ऑफ रूल सेट कर दिए हैं कि मेरा मैसेज जो है वो इस लैंग्वेज में हो, इस फॉर्मेट में हो, और रिसीवर साइड पे भी आपको अपने प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेंगे, और पर आपने प्रोटोकॉल सेट करते हुए आपने सेट करने, रिसीवर साइड ने अपने प्रोटोकॉल सेट करने हैं और सेंडर साइड ने अपने प्रोटोकॉल सेट करने हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए आपने
प्रोटोकॉल सेट करते हुए इन चीजों को आपस में मैच करना है कि आइदर सेंडर प्रोटोकॉल है वो रिसीवर और उनके प्रोटोकॉल सेम है या नहीं है, इन दोनों के प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए। या इनमें वेरिएशन आ जाते हैं जो आपकी राउटिंग मीन्स कि आपके जो मैसेज ट्रेवल हो रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में उनमें वेरिएशन आ जाएगी, क्योंकि प्रोटोकॉल्स ये चीज आपको कन्फर्म करना राउटिंग सेक्शन में बहुत जरूरी है कि इन दोनों के प्रोटोकॉल्स जो हमने सेट किए हैं वो सेम हो। और राउटिंग का यहाँ पे मेन फीचर ये है कि A1 मैसेज सेंड करता है वो पहले जाएगा राउटर 1 पे, फिर राउटर 2 पे, फिर B1 पे जाएगा। राउटर से ये डिसाइड करना है कि A1 ने जो मैसेज सेंड किया है राउटर 1 पे जब पहुंचेगा राउटर 1 ये डिसाइड करेगा कि वो आगे फर्दर मैसेज ट्रांसफर करने के लिए जो शॉर्टेस्ट मार्ग है उसके थ्रू मैसेज को ट्रेवल करे और B1 पे लेके जाए। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा राउटर अटैच है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर अटैच है और उनसे आपने B1 अपनी डेस्टिनेशन होस्ट को फाइंड आउट करना है। तो उस राउटर की ये फंक्शनैलिटी होगी, इसमें ये इंटेलिजेंट फैक्टर होता है कि आपको शॉर्टेस्ट जो है सिलेक्ट करके देता है ताकि आप B1 पे टाइमली मतलब कम टाइम कंज्यूम करते हुए B1 पे पहुंच जाए। इसलिए हम राउटर जो है वो स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जब भी आपका पैकेट जो है वो राउटर 1 पे जाएगा तो उसके बाद राउटर 1 ये डिसाइड कर ले जाती है उसमें किस पास से करके अब आपका मैसेज B1 पे लेके जाना है। यहाँ पे तो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें राउटर 1 ने ये डिसाइड करना है कि किस बात को फॉलो करते हुए वो आपका मैसेज B1 पे लेके जाए। और कंजेशन कंट्रोल में पिछले लेयर्स में भी कंजेशन कंट्रोल था मैम, वो जितना साइज होगा उसका मेमोरी को हैंडल होगा उसकी जो क्वालिटी होगी उसे मेंटेन करने के लिए। कंजेशन कंट्रोल में आप में था कि आपने कोलाइजन फैक्टर को अवॉइड करना। कंजेशन कंट्रोल में जैसे आपने पिछली लेयर पढ़ा था ना, डेटा लिंक लेयर में आपने पढ़ा था कि सारे डिवाइसेस A1 A2 A3 जैसे 3 डिवाइसेस फॉर एग्जांपल हैं वो सारे टाइम मैसेज अपना डेटा सेंड कर देती थी। तो इससे आपको पता नहीं चलता था कि A1 का मैसेज A2 या A3 प्रॉपरली अपना मैसेज डिलीवर करते थे। जब तीनों डिवाइसेस सेम टाइम पे अपना मैसेज सेंड करते थे तो इनमें कोलाइजन फैक्टर आ जाता था कि उनका मैसेज है वो आपस में कोलाइड कर सकता था। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए थे। इस तरह यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल होता है पैकेट्स नेटवर्क पे पैकेट सेंड करता है, A1 पैकेट अपना सेंड करेगा A3। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि तीनों डिवाइसेस जो हैं वो सेम टाइम पे पैकेट सेंड ना करें। जब A1 पैकेट सेंड कर रहा हो तो A3 और A2 जो है वो रेस्टिंग मोड पे चले जाए ताकि A1 जब अपने सारे पैकेट सेंड कर ले उसके बाद ही A2 और A3 अपने पैकेट जो है वो सेंड करें ताकि आपका मैसेज जो है स्मूथली मीडियम में से गुजरे और रिसीवर साइड पे एक स्मूथली एक सिक्वेंस में रिसीव। तो इससे कंजेशन कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क लेयर में भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ताकि आपके मैसेज में किसी किस्म की कोई इंटरप्शन या कोई कोलिजन वगैरह ना आए। और फ्रेगमेंटेशन से क्या चीज आती है आपके माइंड में? पीसेस डेटा को छोटे-छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना। फ्रेगमेंटेशन का ये होता है कि जैसे A1 ने पैकेट्स अपने सेंड किए जिसके मेजर उसका जो मैसेज था उसकी लेंथ थी 10 पैकेट्स। अब वो उसने जब राउटर 1 पे अपना पैकेट जो है वो सेंड किया है 10 पैकेट्स की फॉर्म में उसका मैसेज किया। अब राउटर 1 की आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अब देखिए अब क्लियर है, सबको कट रही है? यस मैम। नहीं मैम सही आ रही है बात। नहीं मैम मैम ठीक आ रही। इंटरनेट का जो इशू हो रहा है उसके बाद कट रही है। फ्रेगमेंटेशन में था कि जैसे A1 है उसने अपना मैसेज सेंड किया है 10 पैकेट्स फॉर्म में, जब वही मैसेज आएगा राउटर 1 पे राउटर 1 के पास इतनी मेमोरी थी कि वो उसके जो मैसेज उसने रिसीव किया 10 पैकेट्स के फॉर्म में उसे स्मूथली एक्सेप्ट कर रहा है। अब जब वही पैकेट्स जो है वो राउटर 2 पे जाते हैं पर राउटर 2 के पास इतनी मेमोरी नहीं है, फ्रेगमेंटेशन करें हम मेमोरी के अकॉर्डिंग कि आप जो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट होस्ट है उसकी मेमोरी कितनी है। अब जब राउटर 1 ने मैसेज जो ट्रांसफर किया है अपने 10 पैकेट्स पर R2 के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 10 पैकेट्स को एक्सेप्ट कर सके, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो एट अ टाइम 5 पैकेट्स जो है वो ले सकते हैं, पर आपने मीडियम में 10 पैकेट्स जो है वो सारे के सारे जो है वो ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन करेंगे कि आपके जो 10 पैकेट्स के फॉर्म में आप अपना मैसेज जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे पहले 5 पैकेट्स में या 5 पैकेट्स, मतलब अपने फ्रेगमेंट्स में डिवीजन कर दी कि पहले आपके 5 पैकेट्स सेंड हो गए R2 पे, जब तक आप फर्दर वो 5 पैकेट्स आगे सेंड नहीं कर सकता तब तक आप वेटिंग सेक्शन में रह जाएगा राउटर 1। जब ये R2 सेंड करते हैं ना फर्स्ट पैकेट R1 अगले 5 पैकेट सेंड करेगा।
इस तरह फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में मैसेज जो है फ्रेगमेंट से डिवीजन करके आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप आवाज नहीं आ रही, क्या बोल ये जो भी बोल रहे हैं ये आप तो आ रही है इनकी आवाज नहीं आ रही। नहीं तो मैम मैम आ रही है, आ रही है मैम आ रही है। नहीं कुछ बोल रहे आवाज आ रही है जैसे कोई बोल रहा हो पर क्लियर नहीं आ रही है। आप लोगों की तो क्लियर आ रही है, पीछे से शायद कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह की आवाज आ रही है। अब फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में से डिवीजन करनी है, जब जितने फ्रेगमेंट्स अगली मेमोरी एक्सेप्ट कर सकती है उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेगमेंट्स का डिवीजन हो जाता है कि आपके जो मैसेजेस हैं वो प्रॉपरली मीडियम में से ट्रेवल कर सके और आपके डेस्टिनेशन में जा सके। अगर आप फ्रेगमेंट्स में डिवीजन नहीं करते और एट ए टाइम 10 to 10 पैकेट से राउटर 2% देते हैं, जब उसकी कैपेसिटी ही इतनी है कि वो 5 पैकेट्स ले सकते हैं, तो आपके जो पिछले अगले 5 पैकेट वो लॉस्ट हो जाती है और आपका डिस्टॉर्टेड मैसेज जो है आपका रिसीवर साइड पे रिसीव होता है। इसलिए फ्रेगमेंटेशन हम इसलिए करते हैं ताकि आपके मैसेज के कोई भी पार्ट जो है वो लॉस ना हो और आपको पूरा का पूरा मैसेज जो है वो सेंटर रिसीवर साइड पे अचीव हो। इन चारों पॉइंट्स से देख लें, जो पॉइंट्स क्लियर ना हो तो पूछ दोबारा। मैम क्लियर है, क्लियर है मैम, आवाज कैसी आएगी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं उससे अपनी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है। जैसे यदि आप ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो जो मेजर प्रोटोकॉल है वो TCP और UDP है। इस तरह नेटवर्क लेयर में आप जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो IP एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं। अभी ये प्रॉपरली मैं थोड़ा स्लाइड्स के फॉर्म में सेट करके आपको पहले स्लाइड्स दी थी और इस लेक्चर की मैं सेपरेट से स्लाइड सेंड करके ये प्रोटोकॉल कौन से यूज हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके सारी मैं आपको सेपरेट सेंड करता हूँ। ये वैसे साथ साथ नोट करते जाए इन सब की डिटेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी नेटवर्क कैसे कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इसमें और किस तरह परफॉर्म होता है, इस तरह राउटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन में जब आए तो आपने फिर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही लिखनी है उसमें। ट्रांसपोर्ट एयर में होता है एंड टू एंड, इसकी फर्स्ट फंक्शनैलिटी है वो एंड टू एंड डिलीवरी है। जैसे आपने नेटवर्क लेयर की फर्स्ट फंक्शनैलिटी थी सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी नेटवर्क लेयर ने ये करना कि उसने जब सेंडर मैसेज सेंड करना था डेस्टिनेशन पे तो डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करने का कि किस नेटवर्क में किस होस्ट में मैसेज सेंड होना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नेटवर्क लेयर की। लेकिन अब रिसीवर साइड पे होस्ट जो है वो तो नेटवर्क लेयर ने फाइंड आउट कर लिया कि इस होस्ट पे इसका मैसेज सेंड होना है, पर किस एप्लीकेशन पे आपका मैसेज सेंड होना है, किस पोर्ट नंबर पे आपका मैसेज सेंड होना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे ट्रांसपोर्ट लेयर की। इसलिए नेटवर्क लेयर के थ्रू आपकी डेस्टिनेशन आप होस्ट डिवाइड करेगी नेटवर्क लेयर और उस डेस्टिनेशन होस्ट पे किस पोर्ट नंबर पे किस एप्लीकेशन पे आपका मैसेज डिलीवर होना है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की। और ट्रांसपोर्ट लेयर ये चीज कैसे करती है, पोर्ट नंबर के थ्रू। एंड टू एंड डिलीवरी मीन्स कि आपने पोर्ट नंबर सेलेक्ट करना है जैसे रिसीवर साइड पे, एंड टू एंड डिलीवरी मीन्स आपकी कंप्लीट डिलीवरी तरह हो जाएगी, आपके होस्ट पे आपको एप्लीकेशन का भी पता चल जाए कि किस एप्लीकेशन पे आपने पैसे जो है वो डिलीवर करना है। तो एंड टू एंड डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर होता है पोर्ट एड्रेसिंग के थ्रू। जैसे अगर आप अपने लैपटॉप पे कोई फाइल वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर करने के लिए आप यूज करते हैं FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसलिए इस तरह मेल सिंपल ट्रांसफर करने के लिए आप सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे, इसका पोर्ट नंबर आई गेस 25 है। पर FTP के लिए आप पोर्ट नंबर यूज करते हैं 21। जब भी आप मैसेज मेल सेंड कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बैक पे आपका एप्लीकेशन जो है वो आपके एक पोर्ट डिसाइड करती है जिसके थ्रू जो होते हैं आपकी फाइल जो है वो मीडियम से ट्रेवल करती है और उसी पोर्ट के थ्रू ट्रेवल करते हुए नेक्स्ट होस्ट पे डेस्टिनेशन होस्ट पे पोर्ट नंबर 21 ही आपकी फाइल जो है वो रिसीव करेगी अपनी जो फाइल आपने सेंड की है। एप्लीकेशन को पता हो जाए कि जो सेंडर ने सेंड किया वो फाइल फॉर्म में डेटा आ रहा है, अगर मेल के फॉर्म में आ रहा है तो होस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पोर्ट नंबर के थ्रू डिसाइड कर लेगी। इसी तरह पोर्ट के थ्रू आपका मैसेज
जो है वो स्मूथली मूव करता है होस्ट साइड पे, किस एप्लीकेशन पे आपका मैसेज डिलीवर करना है। मेल के लिए अगर आ रहा होता है तो वो पोर्ट नंबर सिंपल 25 पे रिसीव हो जाता है होस्ट साइड पे, और अगर आपने पर्सनल फाइल साइड ली है या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज की है तो वो इस तरह वेरिएशन आती है होस्ट की। हर एप्लीकेशन का अपना डिफरेंट पोर्ट नंबर होता है, तो एंड टू एंड डिलीवरी मतलब पोर्ट नंबर की सिलेक्शन के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप प्रॉपरली जिस पोर्ट के लिए जिस एप्लीकेशन के लिए मैसेज होता है आपका मैसेज एग्जैक्ट उसी एप्लीकेशन में जाता है जिस एप्लीकेशन के लिए आपने सेंड किया होता है। अब टीसीपी और यूडीपी, ये जो ट्रांसफर हो रहा है पोर्ट नंबर के थ्रू, इसमें प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं वो टीसीपी है और यूडीपी है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि टीसीपी जो है, जैसे आपने नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसिंग के थ्रू पैकेट सेंड किए हैं, आईपी एड्रेसिंग जो होती है वो आपका फर्स्टली कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करती है रिसीवर साइड पे। मतलब दो, जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया, दो नेटवर्क है, A1 ने अपना मैसेज डिलीवर करना था B2 पे, पर इसने फर्स्टली कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना है बी नेटवर्क के साथ, सिंपली बस अपने पैकेट सेंड कर देने हैं कि मेरे पैकेट्स हैं और मेरे जो है वो B2 रिसीवर साइड पे जाके रिसीव हो जाए। लेकिन TCP जो है वो फर्स्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है जिस नेटवर्क के साथ इसने कम्युनिकेशन करनी है, जहाँ पे अपने मैसेज जो है वो डिलीवर करने हैं। फर्स्टली वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद जो है A1 अपने पैकेट जो है वो सेंड करना स्टार्ट करेगा। इस पे ये हो जाएगा कि जब आपने कनेक्शन फर्स्टली एस्टेब्लिश कर लिया है तो आपको इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो जाती है कि आपके पैकेट जो है वो मीडियम साइड पे रिसीवर साइड पे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो आपको पता चला जाएगा कि रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है पैकेट या नहीं कर रहा है, या किसी किस्म का कोई एरर तो मीडियम में नहीं आया कि आपका मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन आईपी एड्रेस वाले सीन में उस पर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, इसलिए आपको कोई कन्फर्मेशन नहीं, आप बस सिंपली पैकेट सेंड कर देते हैं, पर आपको पता नहीं होता मीडियम ने आपका मैसेज रिसीवर साइड पे आपका मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मोस्टली जो है वो TCP ही यूज करते हैं अपने कंफर्मेशन के लिए, अपने स्ट्रक्चर में रिसीवर का मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप कंफर्मेशन फैक्टर एलिमिनेट करना चाहते हैं कि आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए कि हमारे मैसेज जो है वो आइदर रिसीव साइड में रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप UDP यूज कर सकते हैं। UDP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, पर TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। और फर्दर TCP भी एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आपके मैसेज सीक्वेंस को मेंटेन रखता है, कि सीक्वेंस में आपने कोई मैसेज सेंड किया है, जैसे आपने कोई बात की है, जो कोई सेंटेंस है आपका, तो उसका सीक्वेंस मेंटेन रखने के लिए भी TCP हेल्प आउट करता है। वरना आप मैसेज जो है वो किसी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपका सेंटेंस जो है वो रिसीवर साइड में चला जाएगा, कुछ वर्ड्स पहले आने चाहिए थे वो बाद में चले जाएंगे। इस तरह जब आप TCP यूज करते हैं तो आपके कनेक्शन का प्रॉपरली सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहता है आपके पूरे स्ट्रक्चर में। और सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन से क्या सीधा आती है आपके माइंड मैम? कंप्यूटर नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क, छोटे नेटवर्क्स में मैम जो पार्ट्स के अंदर तकसीम किया गया तो उनको एक सीरीज के जरिए एक नंबर देने का नाम सेगमेंटेशन होता है। हेडर जो ऐड करते हैं आप स्ट्रक्चर में, पर सेगमेंटेशन यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर में किस चीज में आप सेगमेंट ऐड करेंगे? एप्लीकेशन लेयर से आपसे जो डेटा रिसीव हो रहा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, वो डिफरेंट एप्लीकेशन से आ रहा होता है डेटा, एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में आ रहा होता है, मतलब बिट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता जाता है, रैंडमली बिट्स आते जा रही है। अब आज ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर पर ट्रांसफर करने होते हैं वही डाटा, लेकिन अगर आप सेगमेंटेशन के फॉर्म में नहीं करते थे, आप प्रॉपरली एक कंटिन्यूस सेगमेंट बना देंगे, एक सेगमेंट इतना हो, नेक्स्ट भी इतना हो, और फिर उन सेगमेंट्स में हेडर अटैच करते जाए, तो फिर सेगमेंट्स के फॉर्म में पहले आप सेगमेंट्स बनाएंगे जो डाटा आपको एप्लीकेशन लेयर से मिला है रेंडमली बिट्स के फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। आप कॉन्टिन्यूस तो आप सेंड नहीं ना कर सकते आगे नेटवर्क लेयर में।